मटका कुल्फी वाले हमारे भाई होते हैं। मैं बोलता हूँ ये दुनिया की वाहिद कुल्फी है जिसका कोई फ्लेवर नहीं है, इसका अपना फ्लेवर। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना दोस्त इजाज़ भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं मीरपुकास पोस्ट ऑफिस चौक चार मीनार रोड, और जो है वो बहुत ही मशहूर और जो है वो ये जगह है। यहाँ पर जो है वो मटका कुल्फ़ी वाले हमारे भाई होते हैं, इनसे बात करेंगे ये कब से लगा रहे हैं और कैसा टेस्ट है ये भी आज चेक करेंगे। भाई से बात करते हैं इस हवाले से इनका क्या कहना है। वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? अल्लाह का करम, फर्स्ट क्लास। अल्लाह का करम है बिल्कुल। क्या है इस मटके के अंदर भाई? ये मटका कुल्फी होती है। मटका कुल्फी? जी जी। माशाल्लाह, ये कब से लगा रहे हैं आप, क्या है? ये हमारे को आज 40 साल से ऊपर हो गए मटका कुल्फियाँ बेचते हुए। हमारे दादा भी बेचते थे, वालिद ने बेची, मैंने, अब मेरे भतीजे भी आते हैं मेरे साथ। अल्लाह का शुक्र है, पुराना फैमिली बिजनेस है हमारे। हाँ, मीरपुर में हम मटका कुल्फी मेरे दादा लेकर आए इंडिया से। ये आइटम किसी को नहीं पता सिंध में, मेरे दादा लेकर आए। और मेरे दादा उस वक्त ये काम करते थे कि जब लोग कुल्फी के बदले बाजरा गेहूं देते थे, उन्हें पैसे नहीं देते थे, उस टाइम का हमारा ये बिजनेस। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह का एहसान है, शुक्र है मालिक का, बहुत अल्लाह ने इज्जत दी, नाम दिया, कुल्फी बनाते हैं। और ये मैं बोलता हूँ ये दुनिया की वाहिद कुल्फी है जिसका कोई फ्लेवर नहीं है, इसका अपना फ्लेवर है बस, इसमें कोई अपना टेस्ट है। हाँ, हमसे कोई कहता है ना यार कौन सा है, वनीला है या टूटी फ्रूटी है या वो, हम बोलते हैं नहीं यार ये अपना फ्लेवर है, इसका एक अपना टेस्ट है। तुम खाओ। हाँ, ये कि लोगों को फ्लेवर के लिए थोड़ा सा, हमारे दादा तो सिर्फ कुल्फी देते थे, हमने रो अफजा रख लिया, सेवैयाँ रख ली बस। अच्छा, इसकी कोई ख़ास रेसिपी है क्या? इसकी ख़ास रेसिपी ये है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे दूध में बनता है, ये पाउडर वाले दूध का नहीं बनेगा, हल्के दूध का नहीं बनेगा, जितना अच्छा दूध होगा ये उतना टेस्टी बनेगा बस। अच्छा, इसमें हम क्या मिलाते हैं दूध में? ये हम दूध को जो है ना, हम ये सब कहने की बातें हैं कि मावा डालते हैं या हम पिसते हैं या नहीं नहीं, हम सिर्फ दूध को पकाते हैं, पका के उसके अंदर चीनी डालते हैं, और जो है कहने का मकसद ये चीनी डाल के बस हम उसे गिलासों में डाल दें। पकाना कैसे, अंगारों पे कब पकाना है, आग पे कब पकाना है, ये हम जानते हैं और ये बात हम बताते नहीं। वालिद साहब ने आप कब तक ये आपको काम किया और उसके बाद से आपने मेरे को ये काम जब से कर रहा हूँ कि जब मैं इतना बड़ा था कि मेरे को याद है कि जब अब्बू ठेला लेके आते थे तो मैं कमीज़ पकड़ लेता था, मैं भी चलूँगा। अच्छा। और अब्बू बोले नहीं नहीं तू घर जा, तो छोटा छोटा, और मैं अब्बू के पीछे पीछे कमीज़ पकड़ के, तू नहीं मानेगा, मेरी अम्मी लड़ती थी तुम इतने से को ले जाते हो, बोला ये मानेगा ही नहीं, ये रोएगा ही बहुत टाइम से। और अल्लाह का शुक्र है, मेरे को अल्लाह ने अगर दिया तो मैं कुल्फी का काम ही बड़े पैमाने पे करूँगा, मैं दूसरा काम नहीं करूँगा। अल्लाह का, और अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ने हमें दो चीज़ें दी, अल्लाह ने इज्जत दी माशाल्लाह, अल्लाह ने नाम दिया हमारे को, अल्लाह का बड़ा एहसान है। और आप यहाँ पर आपके वो भाई भी होते हैं ना बड़े बाल वाले, क्या नाम? जी जी, बड़े बाल मेरा भाई है बड़ा, वो इशरत अली, बाबा के बाद उसने संभाला इस काम को, अब वो उसने एक और ब्रांच खोल ली, अब मैं संभालता हूँ इसका। अच्छा, सुनने में आया था मुझे एक दो, मैंने देखा था आपका जो है वो कोई आपको अवार्ड वगैरह भी कुछ नहीं, अवार्ड हम आमों की नुमाइशों में भी लगाते थे इधर, तो हमें एक पासिंग कार्ड मिलता था, तो वो कहने का मकसद ये, तो हम दादा थे हमारे, पढ़े लिखे कम थे। मैंने कुछ यूट्यूब चैनल्स पे ही आपका जो है वो देखा, वो लोगों कह रहे हैं कि वो जो है ना अवार्ड ही ऑफ था, मैंने कहा मैं भाई से पूछूंगा कौन सा अवार्ड मिला है। नहीं नहीं, हमें हमारा ठेला मीरपुर खास में लगता है शेर सिंध के नाम से, और अवार्ड वाली जो बात है वो हमारे बराबर में एक ठेला खड़ा होता है वो, उसकी वो हमारी बात नहीं। अच्छा। हमारा ठेला शेर सिंध के नाम से था, है और रहता है। तीन ठेले होते थे ना, अभी दो हैं। दो हैं क्यों? अच्छा, ये दो भी हैं, और दूसरी बात फुल सर्दी और फुल गर्मी में ये ठेला अवेलेबल पोस्ट ऑफिस चौक पर। अच्छा, सर्दी के अंदर भी अभी कितनी ठंडो, मैं बोलता हूँ लोग मरी में आइसक्रीम खाते हैं तो मीरपुर में भी खाते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, शुक्र है हम ऐसी कुल्फी बनाते हैं। हमारे पास फुल ठंड के अंदर, मैं खुद आग जला के बैठा होता हूँ इधर, इस ठंड में भी हमारे कस्टमर आते हैं। पोस्ट ऑफिस चार मीनार चौक पे, मीरपुर चार मीनार चौक पे जी, पोस्ट ऑफिस चौक। आपका नाम? इनायत अली। इनायत अली जी, बहुत शुक्रिया इनायत भाई।
कस्टमर भी बैठे हैं और कुल्फ़ा जो है वो इंजॉय कर रहे हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का। क्या खाने आए, क्या लेने आए आप? कुल्फ़ा लेना है। कुल्फ़ा लेने आए? जी जी। रोज़ आते हैं ये क्या? तकरीबन हर एक दो दिन छोड़कर कभी डेली भी। कितने अरसे से आप खा रहे हैं? ये बचपन से। बचपन से माशाल्लाह से। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी ये 35। माशाल्लाह 35 से, माशाल्लाह से 35 से भाई ये खाते हुए आ रहे हैं, जो है वो 35 साल हो गए माशाल्लाह से जो है कुल्फा इंजॉय कर रहे हैं। बहुत मेहरबानी। हम उमरकोट से आए हैं। अच्छा जी। हाँ, कुल्फ़ा बहुत हमें पसंद है, तो जब भी आते हैं पहले कुल्फ़ा खाते हैं फिर दूसरा काम करते हैं, कोई भी काम हो। उमरकोट से माशाल्लाह से आते हैं, जब भी वो कुल्फ़ा खाते हैं वो यहाँ पर वक्त में। बहुत अच्छा लगता है, पसंद है हमें, जब भी आते हैं पहले कुल्फ़ा खाते हैं, खाना नहीं खाते पहले कुल्फ़ा आके खाते। क्या बात है यार, मस्त है इनका कुल्फ़ा। और हमारी ख्वाहिश है कि ये चीज़ उमरकोट में भी होनी चाहिए। ज़बरदस्त, बिल्कुल। उमरकोट में भाई को कहते हैं, उमरकोट में भी भाई को कहते हैं एक ब्रांच अपनी लगा लेंगे। मैंने एक बार बोला भी था। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल लगा लेंगे भाई। भाई को बोला था एक बार मैंने। भले, थैंक यू। हाँ जी, हम सारे उमरकोट से हैं, तो हम जब भी आते हैं मैं बुकास तो इस भाई के पास जब भी आते हैं आइसक्रीम खाने के लिए बुकाते हैं। जी हाँ। कैसा टेस्ट है इसका? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है इसका, जो ना बहुत ही जो ब्यूटीफुल टेस्ट है। हाँ, खाने में बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, जो भी हम जब भी आते हैं यहाँ पर, पर इसका जो था ये मेरा बड़ा भाई है मुझसे, तो ये हमेशा मुझे बोलता है कि भाई पहले चलेंगे मटके की आइसक्रीम खाएंगे फिर उसमें कम। रिश्तेदार हैं आपके या किसके पास? हाँ, ये मेरे मामू हैं, ये यहाँ से, ये मेरे बखास से। अच्छा, और ये हमें डेली रात को यहाँ पर, हम आते हैं इनके पास और ये रात को हमें यहाँ पर लेके आते हैं आइसक्रीम खाने के लिए। मामू को हम भी कहेंगे हमें भी लेके आया करो यार। अरे सर बिल्कुल आपका ही ठेला है, बेफिक्र, शुक्र है अल्लाह पाक का। मैं पुकार, ये सूफी टाउन सब्जी मंडी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से हैं? मीरपुर खास से जी। अच्छा, कुल्फा एंजॉय हो रहा है जी माशाल्लाह। कैसा है टेस्ट? बेहतरीन है माशाल्लाह। अच्छा, डेली आते हैं या कोई रूटीन है क्या? हाँ डेली, एक दो दिन छोड़ गए। अच्छा। हाँ गर्मियों में तो तकरीबन डेली, फिर सर्दियों में भी कभी कभार। अच्छा। हाँ फिर ये हमारे मीरपुर खास की सौगात भी है ना माशाल्लाह से। और दूसरी बात है, किसी और शहर में ये कुल्फी मिलनी भी नहीं है ना, तो जैसा कि मीरपुर खास मशहूर है आमों के लिहाज से, तो ये कुल्फ़ी भी मीरपुर खास की बहुत मशहूर है। हमारे मेहमान जो दूसरे शहरों से आते हैं तो ख़ास उनको और कुछ नहीं चाहिए होता है, ये कुल्फ़ी चाहिए होती है। ये मौजूद हैं इस वक्त जो है वो इनायत के जो है वो ठेले पे, और यहाँ पर जो है कस्टमर से भी बात की और इनायत भाई से भी बात की, और बहुत ही अच्छा इनका सेटअप है माशाल्लाह से। सर्दी गर्मी का इनका वो जो है वो सेटअप है, सर्दी गर्मी जो है वो पोस्ट ऑफिस चौक पे जो है वो इनका ठेला मौजूद रहता है, और बराबर में दो ठेले और हैं, और कहते भाई कह रहे हैं कि वो जो है उनका एक अपना मियार है, हमारा एक अपना मियार है। और आपको हमारा जो है वो प्रोग्राम कैसा लगा ये हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएँ, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह निगहबान।